नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ दुष्या। सबसे पहले खबर, जहां छत्तीसगढ़ के 151 नगरीय निकायों की 2840 वार्डों के लिए वोटिंग आज संपन्न हो गई है। 16 साल बाद यहां फिर से बैलेट पेपर से मतदान हुआ। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला रहा, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी रही। पहली बार निकाय चुनाव में जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपना भाग्य आजमाया है और अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय का मतदान हुआ, जिसमें बैलेट पेपर से काफी साल बाद फिर से मतदान हुआ है। और आपको बता दें, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है और कड़ा मुकाबला इन दोनों ही पार्टियों में रहा। हालांकि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी भी रस्साकशी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन सीधा मुकाबला यहां बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिला। 151 नगरीय निकायों पर ये मतदान हुआ है। 24 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, जिस पर भी स्वराज एक्सप्रेस अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और आपको पल पल का अपडेट भी जारी करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों के लिए वोटिंग हो गई है। 16 साल बाद यहां फिर से बैलेट पेपर से मतदान हुआ। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला था, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति देखने को मिली है। इस बार पहली बार निकाय चुनाव में जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपना भाग्य आजमाया है और अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, दिन भर मतदान किस तरीके से संपन्न हो पाया है, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, मुकाबला कितना कड़ा देखने को मिला, तमाम सारी जानकारी आपसे चाहेंगे। हेमंत। हाँ जी बुशरा, प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों में चुनाव संपन्न हो गया है। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये जो पूरा वोटिंग का सिलसिला है वो चला। सुबह से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर ये लगी हुई थी बड़ी संख्या में, और उत्साह के साथ जो आम मतदाता है वो वोट करने पहुंच रहे थे। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मुद्दे रहेंगे, तो जो वार्ड की समस्या है उनकी, उसी के लेकर उन्होंने वोट किया, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा पूरे माहौल की बात की जाए तो रायपुर में 1128 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। यहाँ पर हालांकि पूरे चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो छुटपुट घटना जरूर हुई, लेकिन अप्रिय स्थिति कहीं नहीं बनी। शांतिपूर्वक तरीके से पूरे रायपुर के 70 वार्डों में चुनाव हुआ। हालांकि गुढ़हरी से और कुछ देर पहले बैरन बाजार से कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी कि वहां पर फर्जी मतदान किया जा रहा है, लेकिन उतना वो जो मुद्दा है वो उतना व्यापक नहीं बन पाया, आपसी समझौता। इसके अलावा महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड, जहां एक हाई प्रोफाइल सीट है, भाजीमो के जो नेता हैं संजू नारायण सिंह ठाकुर, उनको वहां पर बीजेपी ने वोट दिया है, तो वहां पर गहमा गहमी का माहौल जरूर रहा। वहां पर कक्ष के अंदर जो मतदान केंद्र है उसके अंदर प्रचार करने को लेकर थोड़ा बहुत बहस दोनों पक्ष में हुआ था, हालांकि फिर आपसे समझौता उनके बीच हुआ और फिर से वो अपना प्रचार करते दिखे। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, न सिर्फ मतदाता बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कलेक्टर की बात की जाए, मुख्य सचिव की बात की जाए, SSP आरिफ शेख ने यहाँ पर वोट किया, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है सभी ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। पूरे तरीके शांतिपूर्ण तरीके से रायपुर में चुनाव हुआ है। निश्चित तौर पर आपने एक बात का जिक्र किया कि कड़ी टक्कर, निश्चित तौर पर रायपुर के सभी 70 वार्डों में कड़ी टक्कर है। सबसे अगर हाई प्रोफाइल सीट की मैं बात करूं तो वार्ड क्रमांक 11 काली माता वार्ड, RDA के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सभापति भी रहे हैं संजय श्रीवास्तव, उनका मुकाबला कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अमितेश भारद्वाज से है। अमितेश भारद्वाज के बारे में ये कहा जाता है कि लगातार वो उस वार्ड के लोगों की समस्याओं से अवगत होते रहे हैं, उस वार्ड के लोग वहाँ पर जो उनको जानते हैं। वहाँ पर एक मुद्दा जोर शोर से उठा था, वहाँ पर इस बात की भनक हुई थी कि संजय श्रीवास्तव बाहरी प्रत्याशी है, हालांकि वो पिछले दो बार की बात की जाए तो दो बार को छोड़कर तो वो पार्षद वहाँ से रहे हैं, सभापति फिर उनको चुना गया था, लेकिन उन्होंने उस वार्ड को छोड़ दिया था और फिर अपने
जो यहाँ पर उनका जो वार्ड है शंकर नगर, वहाँ पर वो आ गए थे। चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि विधानसभा का टिकट उत्तर पश्चिम उत्तर विधानसभा से उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन पार्षद का चुनाव वो उस वार्ड से लड़ रहे हैं, बाहरी प्रत्याशी के तौर पे वहाँ पर एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। इसके अलावा सबसे खास सीट अगर मानी जाएगी तो वो है वार्ड क्रमांक 57 भगवती चरण शुक्ल, वहाँ पर वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे मैदान में है। युवा प्रत्याशी सचिन मेघानी भाजपा से है, वहाँ पर टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन जो खबरें हमें निकल कर आ रही है, जो दो और निर्दलीय हैं राहुल रोफी जो कि कांग्रेस से थे और एक सिंधी समाज से एक और व्यक्ति वहां से खड़ा हुआ था, और उस वार्ड में सिंधी समाज की काफी ज्यादा मतदाता वहां पर थे, तो उस वार्ड में काफी परेशानी दोनों जो मुख्य पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको हुई थी निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से। लेकिन जो हमें रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं, एक तरीके से जो वर्तमान महापौर है प्रमोद दुबे, उनको थोड़ा बहुत फायदा वहां से होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने वहां से युवा प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को वहां से चुनाव टिकट दिया है। तो देखा जाए तो राजीव अग्रवाल वहां से बढ़त बनाए हुए थे, बीच में जो उन्होंने जमकर प्रचार किया था, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों की बात की जाए तो काफी ज्यादा माहौल बनाने की एक तरीके से कोशिश वहां पर प्रमोद मिश्र जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके द्वारा की गई थी और सफल भी हुए हैं। हालांकि 24 तारीख को ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किनका पलड़ा वहां पर भारी होता है, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 70 वार्डों में से 60 वार्ड वो जीत कर आएंगे। हालांकि अब उनका दावा कितना खरा, दावे में कितना वो खरे उतरते हैं ये तो 24 तारीख को क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बैलेट पेपर जो सबसे नया प्रयोग यहाँ पर किया गया है, काफी समय बाद नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग किया गया। मतदाताओं से जब हमने पूछा कि बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहा है उन्हें कोई परेशानी थोड़ी है, तो साफ तौर से बड़ी संख्या में मतदाताओं ने कहा कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति बैलेट पेपर से चुनाव करने में नहीं है। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, दिक्कतें इसलिए थी क्योंकि जो पर्ची मतदाताओं को दी गई थी वोटर वाली, उसमें बूथ क्रमांक लिखा था, जब वो पोलिंग बूथ में पहुंचे तो वहां पर सिर्फ कमरा नंबर लिख दिया गया था, इसलिए थोड़ा इधर उधर भटकते मरी जो मतदाता है वो जरूर दिखे, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति कहीं पर देखने नहीं मिली। सफलतापूर्वक मतदान हुआ है और अभी जो फाइनल, हालांकि फाइनल आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन जो आंकड़े हमें गड़बड़ियों को लेकर भी, और क्योंकि स्वराज्य एक्सप्रेस इन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है शुरू से ही, और जैसा कि हमारे संवाददाता ही यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक जगह पर एक वार्ड क्रमांक पर पाया कि लोगों को रिझाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से नाश्ता बांटा गया, या फिर दूसरी तरफ बात कर ली जाए एक बीजेपी प्रत्याशी के रिश्तेदार द्वारा यहाँ पर नोट बांटे जाने की, नकली नोट बांटे जाने की भी घटना सामने आई थी। तो ऐसी गड़बड़ियां कुल मिलाकर कितनी सामने आई है, और दिन भर की अगर बात कर ली जाए कितना मतदान प्रतिशत दिन भर रहा। देखिए, जो पहली घटना की आपने बात की वो वार्ड क्रमांक 44 ब्राह्मणपारा वार्ड था, वहां पर ये शिकायतें निकल कर सामने आई कि दोनों दल के अलावा एक निर्दलीय वहां से हैं वो सद्दा मिश्रा, उन्होंने भी वहां पर ये कोशिश की कि जो पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग बूथ का ये नियम रहता है कि 200 मीटर के दायरे से आपको वहां पर रहना है और वहां पर प्रचार करना है, लेकिन स्थिति ये देखी गई थी ब्राह्मणपारा वार्ड में, वहां पर आनंद वाचनालय है कंकाली तालाब के पास, वहां पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया था, वहां पर स्पष्ट तौर पर ये देखने को मिला कि दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं वो इसके साथ ही उनके परिजन अंदर तक जाकर मतदाताओं को रिझाते नजर आए। इसके अलावा वहां पर कई तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश हुई, और न सिर्फ ब्राह्मणपारा वार्ड बल्कि हम सुबह से हरेक वार्डों में जाकर ये देख रहे थे, और सुबह से हमारी टीम वहां पर लगी हुई है पूरे वार्डों में, उन्होंने ये वहां पर पाया कि न सिर्फ ब्राह्मणपारा बल्कि महर्षि वाल्मीकि वार्ड का नजारा ही था, तात्यपारा वार्ड का ही नजारा था, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का ही नजारा था, ये सब वार्डों के अलावा कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी थी। हालांकि इसमें बड़ी चूक
निर्वाचन आयोग की मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग को जरूर सूचना पहुंचाई गई थी लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा एक्शन नहीं लिया। हालांकि ब्राह्मणपारा वार्ड में जो स्थिति सामने आई थी उसके बाद वहां पर जो निर्वाचन की टीम है और पेट्रोलिंग की टीम है वो जरूर वहां पर पहुंची थी और उसके बाद वहां से जो प्रत्याशी और उनके परिजन है जो वहां पर प्रचार कर रहे थे उनको वहां से खदेड़ा गया। तो ऐसा छोटी मोटी चीजें यहाँ पर जरूर हुई है जिसमें जिसको लेकर निर्वाचन आयोग को सोचने की जरूरत है। इसके अलावा मतदाता काफी परेशान हुए, परिसीमन जो हुआ है परिसीमन के कारण किसी का वार्ड अगर महामायापारा में है में था तो वो उनका जो वोट है वो महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में चला गया तो अब उन्हें इसके कारण पूरे दिन भर भटकना पड़ा और कई मतदाता तो वोट से भी वंचित हो गए। तो ये सोचने की जरूरत है और सुधारने अपनी प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश अब जो निर्वाचन आयोग है वो करती है नहीं हो तो वो खुद जाने, लेकिन जो स्थिति है वो सामने आ रही थी। हालांकि पूरे तरीके से शांतिप्रिय माहौल रायपुर के 70 वार्डों में देखा गया। छुटपुट घटना मैंने पहले ही बताया कि छुटपुट घटना जरूर हुई लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिससे स्थिति बिगड़ती। नियंत्रण लगभग 1700 से ज्यादा जो जवान हैं पुलिस के वो रायपुर के 70 वार्डों में तैनात थे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं खुद SSP और IG सड़कों पर निकलकर जायजा लेने पहुंच रहे थे कि किस तरीके से स्थिति है और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। तो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ है और जो आंकड़े अभी निकल कर आए हैं 60% से ज्यादा मतदान प्रदेश में नगरीय निकायों में हुए हैं। जी, कुल मिलाकर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो नगरीय निकाय चुनाव जो आज हुए वो काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। बहुत शुक्रिया तुम्हारी जानकारी के लिए हेमंत। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हुए जिसमें अब तक जैसा कि हेमंत जानकारी दे रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं लेकिन छुटपुट घटनाएं जरूर घटित हुई हैं। और बलौदाबाजार से हमारे साथ स्वराज समाचार अरविंद मिश्रा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, आज दिन भर नगरीय निकाय चुनाव वो किस तरीके से संपन्न हो पाए? बलौदाबाजार का नगरीय निकाय चुनाव जिले भर में पूर्णतः पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस बीच कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत छुटमुट हुई लेकिन वो पुलिस की मुस्तैदी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है। कलेक्टर और SP लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे और इस दौरान कहीं पे भी कोई अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। जी, सिर्फ अगर बलौदाबाजार की बात कर ली जाए तो वहाँ पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ? बलौदाबाजार में 3 बजे तक 65% मतदान संपूर्ण हो चुका था। वही कलेक्टर से जब हमने चर्चा की मतदान 5 बजे के लगभग तो उन्होंने बताया कि 65% पूर्ण हो चुका है लेकिन पूर्ण मतदान केंद्रों के दल के आने के बाद ही पूर्ण प्रतिशत पता चल पाएगा कि कितने पूर्ण लगभग है और ये लगभग 70 से 80% के बीच होने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद। तो आपको बता दें कि 5,406 ऐसे मतदान केंद्र रहे जहां पर मतदान हुआ और अब तक जो जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है लेकिन कुछ कुछ जगह पर छुटपुट घटनाएं जरूर घटित हुई हैं। और सरायपाली से विजय साहू स्वराज समाचार फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, नगरीय निकाय चुनाव सरायपाली में किस तरीके से संपन्न हुआ है? ढंग से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ में और टोटल लगभग 76% मतदान हुआ। जी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिख रही, कितने प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो पाया है? 76% मतदान हो पाया है टोटल और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करीब 54 व्यवस्था था जिस प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। और क्योंकि काफी समय बाद बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव हुए हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? इस पर प्रक्रिया तो ठीक थी मैम, ऐसे कोई वही नहीं था, बाकी बैलेट पेपर से कई लोग खुश थे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय। और आपको बता दें कि दिन भर काफी अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। अलग अलग शहरों से हम बातचीत अपने स्वराज संवाददाताओं से कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि छुटपुट घटनाएं जरूर घटित हुई हैं लेकिन जैसा कि प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी और दावा भी किया गया था कि काफी अच्छे तरीके से नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे, ऐसा हुआ भी
इसी बीच अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मतदान किया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ वार्ड 37 तात्यापारा वार्ड के सिंधी स्कूल में बने मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डाला। वोट डालने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना चाहिए, इसलिए सरकार लोगों को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रही है। करने का मतलब ही ये है, जब ईवीएम मशीन आ गई, हम ये कहते हैं कि अंगूठा नहीं लगाना, दस्तखत करना है, और ये सरकार फिर से बैलेट पेपर की तरफ ले जाना, मतलब इस सरकार को शंका है कि वो चुनाव हार जाएगी, और इसलिए वो मतपत्र के माध्यम से गड़बड़ करने के लिए इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपने परिवार के साथ कवर्धा के वार्ड क्रमांक 26 के पोलिंग बूथ में वोट डाला। मतदान के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से हुई चर्चा में कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लहर है। लोकसभा चुनाव की तरह नगरीय निकाय में भी बीजेपी के महापौर नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आएंगे। जीत का मुख्य कारण 15 साल तक किए गए विकास कार्य हैं जो बीजेपी सरकार की देन है। वहीं ईवीएम के बाद फिर से बैलेट से वोटिंग होने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ईवीएम से हुई वोटिंग से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव में हारने के बाद बैलेट का सहारा ले रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार ईवीएम में बनी, मगर लोकसभा हार गए तो इनका आत्मविश्वास टूट गया। लोकसभा में 11 में 9 हारने के बाद इनको लगा कि फिर से बैलेट पेपर में जाना चाहिए, मगर बैलेट और ईवीएम से फर्क नहीं, काम अच्छा करो तो जनता का विश्वास रहेगा। जैसे लोकसभा में पीछे रहे वैसे ही नगरीय निकाय में भी कांग्रेस का वही हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने दुर्ग के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला और सरोज पांडे ने मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर मतदान किया। मतदान के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पिछले 20 सालों से दुर्ग नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है और इस बार भी दुर्ग नगर निगम में कमल खिलेगा। वहीं एनआरसी और सीएए को लेकर बने हालात पर सरोज पांडे ने कहा कि बवाल के पीछे का पूरा खेल कांग्रेस ने तय किया है और इस खेल में प्रबुद्ध लोगों को आगे कर देश को अस्थिर करने का कार्य कर रही है। वही सरोज पांडे ने कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए देश भर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करवा रही है। कोई माहौल नहीं है, जो माहौल दिखाई दे रहा है ये माहौल क्रिएट किया गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्रिएट किया गया है। कांग्रेस की प्रमुख नेत्री उसका नेतृत्व दिल्ली में करती हैं, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का बताया है, तो कांग्रेस पार्टी ही अपने वोट बैंक की चिंता कर रही। वही बिलासपुर के दयाल बंद पोलिंग बूथ में भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच में विवाद की स्थिति देखने को मिली और विवाद के कारण मतदान केंद्र अखाड़े में तब्दील हो गया। निर्वाचन आयोग की लचर व्यवस्था के कारण आधा घंटे हंगामा होता रहा। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण एक एएआई और 4 पुलिस वाले हंगामे को शांत करने की कोशिश करते रहे। वहीं हंगामे के बाद कलेक्टर एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। वो उन लोग अंदर तक गया, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे परिवार, हाँ अंदर वो गेट तक जाके और हम यहाँ पे खड़े, जब वो जा सकते हैं तो हम नहीं जा सकते। इसी बात में उन लोग आ गए, मेरे भाई को जोर से धक्का मारे हैं, कालर वालर पकड़ लिए। देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताशा में अब कांग्रेसियों के ऊपर झगड़ा लड़ाई का माहौल बना रहे हैं और जनता को डरवाना चाह रहे हैं ताकि वोट डालने से भाग जाए। ये संभव नहीं है, लोकतंत्र, जनता पूरी तरह मुस्तैद है, वोट डाल रही है। ये दो जो पार्टी हैं उनके लोगों के मध्य में यहाँ पे जो मल्टीपल स्कूल है वहाँ पर सोचना पक्ष हुई थी कि दो आपस में जो कुछ विवाद कर रहे हैं, तत्काल आके उनके हाथ लड़ा गया है और इनको कहा गया है जो भी बात अगर होगी तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।
रायपुर के ब्राह्मण 12 वार्ड क्रमांक 44 में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के चलते सभी प्रत्याशी और उनके परिजन मतदान केंद्र में घुस गए और अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते रहे। साथ ही लाइन में लगे मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यहाँ निर्वाचन टीम और सुरक्षा कर्मी भी प्रत्याशियों के सामने नतमस्तक दिखे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना अपने उसका प्रचार कर रहे हैं भाई कि हमारे कमल में ही देना। अच्छा, कमल में कौन खड़े है? कमल में सरिता आकाश दुबे। सरिता आकाश दुबे का प्रचार? जी जी जी। तो प्रत्याशी यहाँ पे है क्या? दूसरे बूथ पे हैं। के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं? हम उत्तर सूरज जयश्री शुक्ला उनकी फैमिली से हैं। अच्छा। हाँ जी। लोगों से किस तरह से बातचीत हो रही है? लोगों को हम यही बोल रहे हैं कि स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। मैं बोले कि आप एक नंबर, हम एक कार्य अपने में भाई बहु कड़ी है ब्राह्मण पाड़ा रेखा विकास तिवारी उनके लिए सहयोग करें ने एक नंबर पंजा छाप है चुनाव दीजिएगा। पंजा छाप के लिए आप जी अब यहाँ पे लोगों को अपील कर रहे हैं कि पंजा छाप में एक नंबर पंजा छाप में दीजिए करके। हम लोग को 200-300 लोगों को बातचीत है। 200-300 लोगों से अब यहीं पे मतदान के यहीं पे? हाँ यहीं पे होगी। अपने और डाला डंगनिया पे सब जगह पहुँच गया अपील करने। जी जी जी। आप यहाँ पे मतदान करने आए? नहीं नहीं, हम यहाँ पे प्रचार के लिए आए हैं। उगता सूरज। अच्छा, उगता सूरज का प्रचार जी है। कौन है यहाँ प्रत्याशी उगता सूरज? यहाँ पे प्रत्याशी यहाँ नहीं है, वो तो दूसरे बूथ में है, पर हम उनके समर्थक हैं। उनको अपील कर रहे हैं कि हमारी जो प्रत्याशी है। कौन है आपकी प्रत्याशी? सरिता आकाश दुबे कमल बीजेपी की है। जी, तो उसे अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में आप मतदान कीजिए करके। लाइन के पास ये लोग खड़े होकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि किस लोगों को बोल रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी को वो कितने नंबर है, यहाँ तक ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी है, कौन सा उनका निशान है, उस पर वोट देना है। तो इस तरह के मतदान केंद्र में अपील जारी है और यहाँ तक यहाँ पे इसको सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भगवान भरोसा यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कहीं भी यहाँ सुरक्षा कर्मी बाहर में नहीं दिख रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर प्रचार होना नियम के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पे मना नहीं की जा रही है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ सत्या राजपूत हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। सत्या, जैसे कि आज दिन भर नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया नजर आई, लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, पूरा दिन भर किस तरीके से मतदान प्रक्रिया चलती रही? जी, 10,161 प्रत्याशी पूरे प्रदेश की बात करें तो मैदान में थे, जिसमें लगभग 40 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने वोट के माध्यम से प्रत्याशियों का भाग्य कैद कर दिए हैं और जिनका 24 दिसंबर को मतगणना होता है। और सबसे इसी दौरान सबसे बड़ी लापरवाही राजधानी रायपुर में देखी गई, जहां राजधानी रायपुर की स्थिति ऐसा रहा तो पूरे प्रदेश का सोचा जा सकता है कि क्या स्थिति है। तो सीधी से बात यह है, ब्राह्मणपाड़ा का जो बूथ क्रमांक था वहां पे जो प्रत्याशी हैं सीधा अंदर घुसकर वहां पर अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे और यहां तक वो ये बोल रहे थे कि हमें कोई मना नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम यहां पे प्रचार कर रहे हैं और यहां तक ये बता रहे थे कि हम किस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं, मतदाता से हम कैसे बात कर रहे हैं। और नियम की बात करें तो नियम ये रहता है कि मतदाता जो मतदान केंद्र है उससे 200 मीटर दूरी पर जो पार्टी का जो कैंप होता है या उनका जो स्टॉल होता है वहां से उनको अपने प्रत्याशी से बातचीत करना चाहिए, ना कि बूथ में। लेकिन यहाँ ये दृश्य ये देखने को मिला कि जो प्रत्याशी के जो परिजन है उनके जो कार्यकर्ता है वो बूथ के अंदर घुस के मतदाता जो मतदान करने की लाइन में खड़े थे उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक ऐसे ही वहां पे ये नजारा देखने को मिला कि वहां एक कोटवार के भरोसे वहां पे मतदान हो रहा था, सुरक्षा कर्मी के नाम निशान नहीं थे वहां पे, ना ही कोई जवान वहां तैनात था। इस पर एक पुलिस को कॉल किया गया, निर्वाचन आयोग को कॉल किया गया, उसके बाद घंटों बाद वहां पुलिस पहुंची और इन जो कार्यकर्ता जो प्रचार कर रहे थे उनको खदेड़ने का काम किया वहां से। लेकिन जैसे पुलिस के जाने के बाद फिर 10 मिनट बाद फिर यथास्थिति वैसी निर्मित हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्या। और इसी के साथ